महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के नलिया बाखल इलाके में स्वर्ग द्वारेश्वर महादेव के नाम से 9वें महादेव विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उन्होंने सब देवताओं को बुलाया, परंतु अपनी पुत्री सती जमाता शिव को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती हट करके अपने पिता के यज्ञ में गई। शिवजी ने उनके साथ वीरभद्र और अन्य कुछ गण भेजे। वहां किसी ने सती का आदर नहीं किया। तब सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। इस पर हाहाकार मच गया। तब शिव गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला, देवताओं को मारा। वीरभद्र ने इंद्र को भाला मार दिया और उसके हाथी के मस्तक पर घूसा मारकर उसे मार डाला। तब देवता विष्णु के पास गए। विष्णु ने अपना चक्र चलाया, वीरभद्र मूर्छित हो गए। तब सबगण शिवजी की शरण में गए। शिवजी शूल लेकर दौड़े, उन्हें देखकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब शिवजी ने अपने गण को स्वर्ग के द्वार पर बिठा दिया और आज्ञा दी कि किसी भी देवता को स्वर्ग में प्रवेश न दिया जाए। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख प्रकट किया और कहा कि अब वे स्वर्ग के बिना कहाँ जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप इंद्र सहित शीघ्र शिवजी की शरण में जाओ। महाकाल वन में कपालेश्वर के पूर्व में स्वर्ग द्वार पर जो लिंग है उसकी पूजा करो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब इंद्र इत्यादि देवता स्वर्ग द्वार पर स्थित लिंग के वहां गए। उनके दर्शन मात्र से उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। देवता स्वर्ग को चले गए। शिवजी ने स्वर्ग द्वार से स्थित अपने गण को हटा लिया, इसलिए इस लिंग को स्वर्ग द्वारेश्वर भी कहा जाने लगा। अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को स्वर्ग द्वारेश्वर के दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।